वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखा कीजिए, एंजॉय किया कीजिए। ये रिजवान, आप लोग इसको जानते ही होंगे, ये है मिस्टर सुल्तान भाई। और कल सुबह हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है रिजवान? 26 जनवरी। 26 जनवरी तो एक तारीख है ना बाबू। तो त्योहार कौन सा होता है? तो त्योहार कौन सा है? त्योहार मालूम नहीं भाई। त्योहार का नाम? नो। हाँ सुल्तान भैया, त्योहार का नाम रिपब्लिक डे है, कंफर्म नहीं मेरे भाई, किसी को मालूम नहीं है। हाँ भाई, कौन सा त्योहार? कौन सा त्योहार है? उधर घुमाइए ना भाई। अरे भाई बोलिए ना भाई, कौन सा त्योहार है कल? देखिए कुछ सीखिए रिजवान भाई, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं। लाइक करो, फॉलो करो, आगे बढ़ाओ। सुल्तान में कौन सा त्योहार है कल? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये बोल रहे हैं कि मालूम नहीं अल्लाह, कल जो है ना गणतंत्र दिवस है, ठीक है? गणतंत्र नहीं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र है, मैं उसमें र लगा दिया। गणतंत्र दिवस होता है ये तो बाबू खत्म है। ये खाली रियाल के चक्कर में है, इसको दुनिया की यार कोई बात नहीं, ना दिखता है ना समझ में आता है भाई। पैसा चाहिए, पैसा खाली से दुनिया चलती है। खाली ये बाबू साहब को पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, रियाल चाहिए इसको बस। हाँ रियाल चाहिए, क्या दिक्कत है? और पूरी दुनिया पैसे के ऊपर कूद रही है, मैं कूद रहा तो कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कूदिए। सारी दुनिया तो कूदिए रही है, आप भी कूदिए भाई, है कि नहीं? शाहरुख खान के बराबर जाना है। ओ माशाल्लाह, ये इनको शाहरुख खान के बराबर जाना है और क्या? दोस्तों बात यह है कि कल 26 तारीख 26 जनवरी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है। सब लोग खुशी खुशी मनाइए। एक यही ऐसा त्यौहार है, इस त्यौहार में हर जाति, हर धर्म, हर कास्ट, बड़े लोग, छोटे लोग, सब ये त्यौहार को मिलजुल के मनाते हैं। ये त्यौहार किसी धर्म का नहीं, किसी जाति का नहीं, ये त्यौहार हमारे भारत देश का है। क्या रिजवान भाई? हमारे मुल्क का ये त्यौहार है। और हम लोग तो मजबूर हैं, झंडा कैसे फहराएं, हम लोग विदेश में बैठे हैं। आप लोग जितने भी लोग हो, मिलजुल करके तिरंगा फहराइए, जश्न मनाइए, खुशी मनाइए। अपने अपने देश के शहीदों को याद कीजिए, जिनकी कुर्बानी है उसमें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से हम सब लोग मिल करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को भी मनाते हैं, 26 जनवरी को भी मनाते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से कल जो है कसम खाइए कि हम सबको मिलजुल के रहना है। चाहे वो कोई भी जाति का लोग हो, किसी भी धर्म का लोग हो, कोई मायने नहीं रखता है, सब लोगों को मिलजुल के रहना है। भले आपकी पार्टी कोई कांग्रेस हो, कोई बीजेपी हो, कोई आरजेडी हो, कोई कुछ भी हो, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, सब देशवासी है, सब लोग मिलजुल के रहिए। जब पार्टी की बात आए दोस्तों, जब आपको वोट डालना हो, जो अच्छा लगता है आप उसे वोट करें। क्या रिजवान भाई? जो अच्छा लगता है आप उसे वोट करिए, बाकी मिलजुल के रहना है। एकता में ही भारत मजबूत है। जिस घर का परिवार एक है वो घर बहुत मजबूत है, जिस घर के परिवार के टुकड़े हो गए, खत्म, सत्यानाश हो गया उसका। इसी तरह दोस्तों हम सबको मिलके रहना है। कल त्योहार है, कल सब लोग मनाइए और अच्छे से मिलजुल के रहिए, कल ये कसम खाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं, जिसको पसंद नहीं आता सबसे पहले गाली बकिएगा। जो YouTube पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो Facebook पे है मेरे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। ओके दोस्तों, और ये ऐसे ही बोलता रहता है, इसकी बात पे आपको ध्यान
नहीं देना है। तू मेरे को बोलता है ना राइट, इधर ही